गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण के अंदर सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो ये 1931 ईस्वी में गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। नेक्स्ट हमारा बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये फणीन्द्र नाथ घोष ने भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसे जुड़ा हुआ है? तो ये तीन कठिया से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये चंपारण क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट हमारा बंगाल में किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को रोबोट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवाने नियुक्त किया था? तो ये शिताब राय को नियुक्त किया था। नेक्स्ट हमारा गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था गोलघर का निर्माण। नेक्स्ट हमारा पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो पीर अली खान नेता थे। नेक्स्ट हमारा 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था? तो ये बहावी आंदोलन का केंद्र था। नेक्स्ट हमारा 1866 से 1886 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र में पहचान करें। तो इसे चंपारण और मुजफ्फपुर विद्रोह क्षेत्र में पहचान किया गया था। नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को अपना नियुक्त किया था। नेक्स्ट हमारा अकबर ने बंगाल और ये बिहार को किस मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो इसे सन 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और ये बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट हमारा किस प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान के नाम पर पटना शहर बसाया गया है? तो ये शेरशाह ने बसाया है। नेक्स्ट हमारा मध्यकाल में किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? तो ये शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा है। नेक्स्ट हमारा मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन में आ गया था? तो ये बंगाल के नवाबों के अधीन आ गया था। नेक्स्ट हमारा सम्राट शाह आलम में द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो ये 12 अगस्त सन 1765 में दीवानी प्रदान की थी।